वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स का इजलास। मुल्क में फसादात और हंगामा आरई से निपटने के लिए आलमी मयाद की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएंगी। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान भी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना, COP16 के साइडलाइन समिट में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखला का सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। कमेटी इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया वाकयात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगा। इल्ज़ाम लगाने वाले गोली चलने का सबूत पेश करें। झूठा बयानियां चलाया गया कि गोली क्यों चलाई, ये वो गोली है जो हम एक दूसरे को देते हैं। वज़ीर इत्तला तारर कहते हैं कि तहरीक इंतशार वालों एक वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया गया। मशक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पूरा दिन मशकों में मसरूफ जवानों के साथ गुजारा। तरबियती मैार जंगी तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा कि मुसल्ह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बनाएंगी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,04,000 का संग मील अबूर कर गया। 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का स्टॉक मार्केट का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा कि 2 साल मेहनत का नतीजा है कि महंगाई 5% से भी नीचे आ चुकी है। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए और मुल्क को बचा लिया। पिछली हुकूमत के IMF से किए गए माहदों पर मजबूरन हमें अमल करना पड़ा। कराची में एमजिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 1 स्नॉकल आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी है। और पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त से जेर कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 140 रन का हदफ दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।